नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बचाव कार्य में जहां एक ओर पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नागरिक भी पूरे जिम्मेदारी के साथ हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्काउट गाइड फेलोशिप ने बुधवार को डोंगरगढ़ के चौक चौराहे में सैनिटाइज किया। जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स इसे मात देने के लिए जी जान लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर जिले के इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के सदस्यों ने बुधवार को डोंगरगढ़ शहर को सैनिटाइज किया। शहर के गोल बाजार, सोलापारा, सब्जी मंडी, जैन मंदिर, भंडारी चाल, जयस्तंभ चौक, शासकीय चिकित्सालय, रेलवे चौक जगहों पर सैनिटाइज किया। साथ ही स्काउट गाइड के अध्यक्ष गोपाल खेमका ने सैनिटाइजर समेत आवश्यक सामग्री प्रदान की। स्काउट एवं गाइड के सराहनीय काम के लिए शहरवासियों ने आभार जताया। इस अवसर पर डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सहित डोंगरगढ़ इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के सभी सदस्य उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। दिया गया हम लोग पिछले 25 तारीख से 25 मार्च से लगातार कहां कहां का छिड़काव किए, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, रेलवे चौक, हर इतवार शनिवार इतवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज पूरा गोल बाजार में सैनिटाइजिंग किया गया है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एवं गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष माननीय सुरेश शुक्ला जी के निर्देशानुसार और स्थानीय डोंगरगढ़ के अध्यक्ष श्री गोपाल खेमुका जी के मार्गदर्शन में और हमारे डोंगरगढ़ के जो अध्यक्ष है नगर पालिका के माननीय श्री सुदेश मेश्राम जी हमारे साथ में आज खड़े भी हैं। और पूरे जो हमने शहर का सैनिटाइज किया, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय मेश्राम